अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नक्श जिसका नाम है जालिमो हासिदो दुश्मनों से हिफाजत इलाही अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्क्रीन पर जो ये नक्श नजर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब नक्श है जालिमों हासिदों और दुश्मनों से हिफाजत के लिए। अगर आपके जान के दुश्मन हैं और आपको हमेशा तकलीफ पहुंचाते रहते हैं और आप बदला लेने की भी ताकत नहीं रखते हैं जिससे कि वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते रहते हैं, आपका दिन व रात का चैन सुकून खत्म हो चुका है, वो लोग समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, मुसीबतों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आता है और आप अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, मगर आप चाहते हैं कि मेरा दुश्मन अपनी दुश्मनी से बाज आ जाए ताकि आपकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श बहुत ही मुजर्रब है जान की हिफाजत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों नक्श देख करके जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जो है मैं नक्श लिखने का आपको पहले मुकम्मल पूरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये नक्श आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, मगर लिखने का जो टाइम है दोस्तों वो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर दोस्तों आपको ये नक्श लिखना है। ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर 9 बजे से शुरू करना है आपको लिखने के लिए। लिखने से पहले दोस्तों जो है आपको अपना जिस्म लिबास पाक को साफ कर लेना चाहिए, जिस जगह नक्श बैठ कर के लिखें वो जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। जिस कमरे में लिखें उस कमरे के अंदर दोस्तों किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई हाइजा औरत आपके कमरे के अंदर हो। नक्श लिखने से पहले दोस्तों कुछ सदका वगैरह गरीबों में ज़रूर कर दिया करें, छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने पीने की चीज़ें कुछ भी तकसीम कर दें ताकि जो उनको पसंद हो, और उसके बाद दोस्तों जो है आप नक्श लिखने के लिए बैठें, काबे शरीफ की तरफ को मुँह कर लें, खुशबू वगैरह के लिए जो है अगरबत्तियाँ अभी अपने पास सिलगा करके रख लें और उसके बाद जो है आप नक्श लिखना शुरू करें। दोस्तों ये नक्श थोड़ा कठिन तो है मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है दोस्तों। अगर आपके समझ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर अगर नहीं आता है तो दोस्तों आप इसकी जो है फ़ोटो कॉपी यानी कि फ़ोटो स्टेट कराने के बाद, जेरोक्स कराने के बाद भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर याद रहे हाथ अपने हैंड यानी कि हाथ से लिखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो रूहानी कुव्वतें हैं वो भी आपको हासिल होंगी और उसका फैज़ भी जो है बहुत जल्दी आपको उसका फैज़ भी जो है जारी सारी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जो है इसका पूरा लिखने का तरीका बता देता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो है ना आपको मैंने इसी तरीके से पहले ये जूम करके अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको ये बे सीन मीम बना लेना है, फिर उसके बाद में जो है दोस्तों है ना ये सॉरी लफ्ज़ अल्लाह और ये है बना लेना है ना बिस्मिल्लाह, और फिर उसके बाद में दोस्तों आपको बनाना है अर्रहमान है ना अरिफ रे है मीम नून है ना अर्रहमान, फिर उसके बाद दोस्तों ये अर्रहीम, ठीक है जिस तरीके से दोस्तों ये लिखा हुआ है इस तरीके से, यानी कि पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना चारों तरफ लिखी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है दोस्तों ये पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको लिख देनी है, और लिखने के बाद में दोस्तों फिर जो है सबसे पहले आपको जो है ये जो या हफीज़ु लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ये यालिफ है फे या गोए या हफीज़ु, फिर इस के इधर या हफीज़ु, फिर उसके बाद में या हफीज़ु, फिर या हफीज़ु है ना चारों तरफ जो है आपको या हफीज़ु जो है नक्श के चारों तरफ ये लिख देना है। लिखने के बाद में दोस्तों जो है कुरान मुकद्दस की आयत जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है ना ये आयत जो है फल्लाहु खैरन हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन, ठीक है दोस्तों फल्लाहु खैरन हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरन हाफिज़ुन वहुवा हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन, मैंने 3-4 मरतबा आपको पढ़ करके सुना दी, यहाँ भी लिखनी है आयत और यही आयत दोस्तों यहाँ भी लिखनी है, मगर जिस तरीके से लिखी हुई है जिधर को है ना इस तरीके से जो है आपको ये लिखनी है ना इधर से है ना फल्लाहु खैरन हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन, फिर दोस्तों जो है फल्लाहु खैरन हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन, जब ये आयत इधर आप लिखें तो लिखने के बाद में यहाँ पर आपको दूसरी भी आयत उसके नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है ना फ़क़ुल हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ठीक है दोस्तों है ना फ़क़ुल हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आयत इसके नीचे लिख दी है, फिर उसके बाद में दोस्तों जो है लास्ट में जो है इधर फल्लाहु खैरन
हाफिज़ुन वहुवा अरहमुर राहिमीन। जब ये आप लिख दें तो लिखने के बाद में दोस्तों अब जो बीच में जो ये नक्श लिखा हुआ है बहुत ही आसान सिंपल है, 16 खानों का है, ये नक्श जो है आपको लिखना है दोस्तों जो है। अब ये नक्श जो है ना मिसाली नक्श है, इस चाल के साथ में दोस्तों जो है आपको ये वाला नक्श आपको इसके अंदर का लिखना है। मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूँ। चाल शुरू होती है दोस्तों यहाँ से, तो जहाँ पर एक लिखा हुआ है वहाँ पर आपको दोस्तों लिखना है 915731, यानी कि जो है 13,000 है ना, 1,37,519, ठीक है दोस्तों, यही आंकड़े आपको अंदर लिख देने हैं। पहले 9 लिखना है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे बहुत से कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर नहीं करना, बल्कि उर्दू की जो गिनतियाँ, जो भी उर्दू लिखी जाती है तो वो सीधे हाथ की तरफ से लिखना, तो आपको जो गिनतियाँ लिखी हुई नज़र आ रही ये भी आपको सीधे हाथ की तरफ से ही लिखना। पहले 9, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 5, फिर 7, फिर 3, फिर 1, 2 की जगह दोस्तों आपको लिखना है 0, 2, 5, 7, 3, 1, फिर 3 की जगह दोस्तों आपको 21, 75, 13, और 4 की जगह दोस्तों जो है आपको 22, 75, 13, 5 की जगह फिर 23, 75, 13, और 6 की जगह भी आपको 24, 75, 13, 7 की जगह 25, 75, 13, 8 की जगह 26, 75, 13, और दोस्तों 9 की जगह 28 है ना, 26 के बाद में 27 आना था, मगर आपको जो है दोस्तों 8 ही लिखना है, 28, 75, 13। 10 की जगह दोस्तों जो है आपको 29, 75, 13। 11 की जगह जो है 30, 75, 13, ठीक है 30, 75, 13, 0, 3, 5, 7, 3, 1। और दोस्तों 12 की जगह जो है 31, 75, 13। 13 की जगह जो है 32, 75, 13। और 14 की जगह जो है आपको 33, 75, 13, ठीक है दोस्तों। और 15 की जगह जो है आपको 34, 75, 13, और 16 की जगह जो है 35, 75, 13। दोस्तों इस तरीके से पूरा नक्श जो है आप तैयार कर लें दोस्तों। थोड़ा कठिन तो है मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है दोस्तों ये नक्श है ना, बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है। तो ये नक्श लिखने के बाद में दोस्तों अब जो है मैं इसका आपको इसका पूरा इस्तेमाल का जो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इस्तेमाल का दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको इसका नक्श बना लेना है, ठीक है। नक्श जब आप बना लें तो बनाने के बाद में दोस्तों आप क्या करना है आपको, और एक बात याद रहे दोस्तों, ये जो आपको नक्श लिखना है वो आपको ये सुर्ख कलर के कागज़ पर लिखना है। ये कागज़ जो है आपको इस तरह का जो है आपको तलाश कर लेना, ये कागज़ तो नहीं मिलेगा, ये तो मेरे पास ही मिलेगा, आपको इस कलर का कागज़ जो है दोस्तों तलाश करना है, कहीं भी मिले इस कलर का जो है आपको कागज़ ले लेना है, और इस कलर के कागज़ पर जो है आपको ज़ाफ़रान मुश्क ज़ाफ़रान से लिखना है, यानी कि ज़ाफ़रान के अंदर जो है गुलाब जल जो आता है, गुलाब जल घोलने, गुलाब जल के अंदर जो है ज़ाफ़रान आपको घोलना है और उससे जो है नक्श लिखना है। अगर ज़ाफ़रान गुलाब जल आपको अगर मैसर ना हो तो आप दोस्तों जो है इसको आप लिख सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है। मैंने आपको जो है सीधे कलर वाइट कलर के जो है कागज़ पर लिख करके बताया, मगर आपको लिखना है दोस्तों सुर्ख कलर के कागज़ पर, ये बात बिल्कुल आप नोट कर लें। जब दोस्तों आप लिख लें तो जो है लिखने के बाद इस तरीके से तावीज़ बना लें, और उसके बाद में दोस्तों जो है आप क्या करना है आपको कि उसके ऊपर से जो है ग्रीन कलर का जो है तागा जो है आप लपेट दें, ठीक है। ग्रीन कलर का तागा आप इस नक्श के चारों तरफ आप लपेट दें, और ग्रीन कलर के कपड़े ही में दोस्तों जो है आपको ये नक्श जो है सी लेना है, जो है इसको आप अपने गले में भी पहन सकते हैं और अपने बाजू भी पहन सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल हकीम हम अक़साम शर ज़लम हासिद दुश्मन कैसे पनाह इलाही में आप रहेंगे, और कोई शह भी जो है आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श इतना बेहतरीन और इतना मुजर्रब है कि अगर जालिम अगर तीर तलवार से भी आपके ऊपर अगर हमला अगर करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमला आपके ऊपर कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के फजल से रब तबारक व तआला के कुरान मुकद्दस की आयतों का ये नक्श है। आप इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर से किसी का भला हो जाए। मैं दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों जो है मैं आपको जो है ये दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो है मिसाली नक्श है ना, और असल नक्श जो अब आपकी स्क्रीन पर जो ये नज़र आ रहा मैं और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। या अल्लाह मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया व आखिरत की अता फरमा, और जो भी जिस जायज़ मकसद के लिए मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं मेरे मौला, तो उनके कामों के अंदर
ان کو کامیابی عطا فرما، اور جو بھی میرے چینل سے فائدہ حاصل کرنے کی سوچ رہے ہیں میرے مولا، تو ان کے جائز مقصد میں میرے مولک، تو ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ میرے مالک، یہ تیرے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ النبی المرسلین وعلی آلہ۔